हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चेस्टन कोल्ड टैबलेट के बारे में। तो चेस्टन कोल्ड टैबलेट के पहले देखेंगे यूजेस, फिर देखेंगे डोज कितनी कितनी लेनी है, फिर लास्ट में देखेंगे साइड इफेक्ट। तो सबसे पहले इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। चेस्टन कोल्ड टैबलेट एक एंटी कोल्ड टैबलेट है। कफ एंड कोल्ड दोनों में इसका यूज़ हो सकता है, दोनों यूज़ में ये आती है। और 12 साल के ऊपर के लड़के इसको लें, 12 साल के ऊपर के लोग इसको लें। और इसको लेना कैसा है, सुबह शाम, सुबह शाम इसको ले सकते हैं खाने के बाद में, और कोल्ड हो तो भी इसको ले सकते हैं, कफ हो रहा है तो भी इसको ले सकते हैं। अब इसमें कंपोजिशन देखें कौन कौन से है। चेस्टन कोल्ड टैबलेट की कंपोजिशन साल्ट से बोलते हैं, वो देखेंगे। सेट्राजन है इसमें, डाईहाइड्रोक्लोराइड है, फेनिफायरिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामोल। अब ये कफ एंड कोल्ड में तो काम करेगी, मतलब कफ एंड कोल्ड में इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको फीवर भी हो रहा है कफ के साथ में कोल्ड के साथ में तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें पैरासीटामोल जो साल्ट है, कंपोजिशन है वो 325 mg है, और सेट्राजन है वो 10 mg है। तो इसको कफ एंड कोल्ड दोनों में यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कफ एंड कोल्ड दोनों में है, क्विक रिलीफ फ्रॉम कफ एंड कोल्ड, खाते ही आपको आराम होगा। और ये शेड्यूल एच के अंडर में आती है, कई सारे शेड्यूल होते हैं इसी के अंदर आता है शेड्यूल एच। शेड्यूल एच जो होता है वो प्रिस्क्रिप्शन वाला होता है, डॉक्टर की सलाह, अगर हिंदी में बात करें तो डॉक्टर की सलाह लेके ही इसको लें। और इसका प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस इसका आएगा 42 रुपीज़ पर 10 टेबलेट, 4 रुपये 20 पैसे की एक टेबलेट है, 4 रुपये की मार्केट में मिल जाएगी। और ब्रांड नेम अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन साल्ट अगर सेम होंगे, कंपोजिशन सेम होगा तो वर्क वही करेगी। तो कंपोजिशन इसके हो गए। देन यहाँ पे बात करेंगे डोजेस, डोज कैसे कैसे लेना, मैंने अभी पहले भी बता दिया, फिर से बता दे रहा हूँ। 12-13 साल से ऊपर के लोग इसको लें, और लेडीज़ के लिए मतलब वो यूज़ ना करें, डॉक्टर की सलाह से लें हर कोई, लेकिन वो फिर भी यूज़ ना करें। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसको खाने के बाद में अगर आपको वॉमिटिंग सा अगर फील होता है तो इसको लेना बंद कर दें, या आपको चक्कर आ रहा है, चक्कर आना या सर भारी भारी, सर भारी लग रहा है तो इसका यूज़ लेना बंद कर दें। और इसकी पैकिंग की बात करें तो ऐसी पैकिंग में आती है, पहले ये वाइट टैबलेट की पैकिंग में आती थी, टैबलेट अंदर से अभी भी वाइट है लेकिन इसका कलर ऊपर से चेंज कर दिया है, और पहले वाइट था पूरा वाला, ये इसकी स्ट्रिप जो थी पहले पूरी वाइट थी, वैसी हो गई है। और आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें।